இவர்தான் தன்வீர் அகமது கான் ஒரு ஏழை விவசாயியின் மகனான இவர் காஷ்மீரில் ஒரு சாதனையை செய்துள்ளார் அவரது தந்தை ரிக்ஷா ஓட்டி விவசாயம் செய்து இவரை படிக்க வைத்தார் முதல் முயற்சியிலேயே தன்வீர் தனது சாதனையால் மாநிலத்தின் பெயரை உளிர வைத்தார் தன்வீரின் கிராமம் தெற்கு காஷ்மீரின் குல்காமின் தொலைதூர பகுதியான நாகின் நாகின்போராவாகும் இல்லாமல் இந்த एंतवर पेरचियों मूलम काश्मीर मेजर और हीरो मारी बिटा स्ट्रगल तो थी बट हम में एक आ, अंदर एक होप थी कि कुछ करेंगे मेहनत करते थे रोज आई I मीन mean, हर दिन मेरा एक टारगेट रहता था उसको अचीव करने की कोशिश करता था तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एट द लेटेस्ट स्टेज ऑफ माय लाइफ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया तो उसने बहुत हेल्प किया हमारा मेहनत बहुत किया था हम खेती बाड़ी काम करते हैं और पंजाब जाते हैं மதிப்புமிக்க பொருளாதார சேவை பணியில் அகில இந்திய தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுள்ளார் தனது வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக தனது தந்தையை நினைக்கிறார் அடுத்ததாக மாணவர்கள் முன்னேறுவதற்கு தகுந்த வாய்ப்பு தரும் பிரதமர் மோடி அவர்களின் கொள்கை முடிவுகளை அவர் நினைக்கிறார் रिसेंटली एल जी साहब ने भी एक स्कीम अनाउंस की है फॉर कंपिटेटिव एग्जाम जिसमें फ्री कोचिंग जे के यूथ के लिए uh, वो वो I वो 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 आई mean, मीन करवा रहे हैं तो वो एक अच्छा स्टेप है मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल गेट क्वालिफाइड फॉर दिस यू पी एस सी एग्ज़ामिशन तो एक आई I मीन mean, इसका एक पॉजिटिव स्पिलोर इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें एक होप जगी है कि वो भी कुछ कर सकते हैं स्पेशली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है उनमें भी एक होप है जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम कैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हैं हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है तो मैंने एटलीस्ट ट्राई की है तो अल्लाह ने रिज़ल्ट दिया है अब ये इंस्पिरेशन है फॉर अदर्स कि वो भी कुछ कर सकते हैं सर्टेनली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वेरियस स्कीम्स है कि जिसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो बट आप

दिल्ली एक डेली जम्मू हो या कश्मीर विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है जम्मू कश्मीर में ही बी लिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है तो वही दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है इन इंदी काश्मीर इलेक्ट्री तीन तुम्हें रखना அர்ணியாவின் அலகாவு பஞ்சாயத்திலிருந்து முதல் முறையாக தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற கம்லேஷ் குமாரி ஒரு இல்லத்தரசி முழு நேரமும் வீட்டு வேலைகளில் செலவழிக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால் இப்போது கிராமத் தலைவராக மாறியிருக்கிறார் இருக்கிறார். அரசியலில் பங்கெற்றபின் அவரது முகத்தில் ஒரு புதிய ஒளி பிறந்துள்ளது. மா படி आस खुश के मस्ता जेड़े इस मौके आस इधर खड़े हैं ठीक है बहुत सहयोग किया लोगों ने ऐसा ही की जो सरपंच बनाना जो ऐसे करना ये काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है लोगों को अच्छा लगा तो हमने पहली बार लोगों ने हमें चुना सरपंच ऐसी कमेटी का सरपंच चुना काम तो हम सभी करवा रहे हैं, किसी बड़ी कास्ट हो छोटी कास्ट हो काम तो हम सभी करवा रहे हैं। काम हो भी अच्छा रहा है। हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है மேற்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து ஏராளமான அகதிகள் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு வந்தனர் பல தசாப்தங்களாக இங்கு தங்கியிருந்தாலும் ஜம்மு காஷ்மீரின் குடிமக்களாக அவர்களால் மாற இயலவில்லை குடிமக்களாக இல்லாத காரணத்தால் அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை மேற்கு பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார் தனது பெற்றோருடன் இங்கு வந்தார் ஆனால் ரவியின் பெற்றோர் குடியுரிமை கிடைக்காததால் திரும்பி சென்று விட்டனர் அங்கிருந்து வரும் மக்கள் வேலை செய்வதற்காகவே வருகிறார்கள் ஆனால் ரவிக்கு வந்தது யோகம் जो तो गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला है उससे हमारा मकान बन जाएगा और आने वाले टाइम पे हम कोई दुकान दुकान कर कर अपना ज़िंदगी अच्छी कर लेंगे हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें जो बस पाकिस्तान रिफ्यूजियों को नागरिकता दी उन्होंने और हमें पैसा दिया जिससे हमें बहुत बड़ा सहारा मिला है बहुत ही मुश्किल से हम अपना रोजी रोटी चलाते थे तो अब हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा किया है இப்போது காஷ்மீரில் ஒளி மீண்டும் வளர்ந்தது பல தசாப்தங்களாக இந்த பகுதி அண்டை நாட்டின் சதி பயங்கரவாத நடவடிக்கைகள் மற்றும் பலவீனமான அரசியல் விருப்பத்திற்கு பலியாகி இருந்தது இப்போது அதனை முக்கிய நீரோட்டத்தில் சேர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது மோடி அவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே காஷ்மீருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்திருக்கிறார் இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி வரலாற்றில் இடம்பெற்றுவிட்டது ஒரு துணிச்சலான முடிவு காஷ்மீரின் நிலைமையையும் பாதையையும் மாற்றிவிட்டது மத்திய அரசாங்கம் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவை நீக்கி ஜம்மு காஷ்மீருக்கான சிறப்பு அந்தஸ்தை ரத்து செய்தது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஜம்மு காஷ்மீர் கோ அல்காவ்வாத் ஆதங்கவாத் பரிவார்வாத் வந்து बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग इंद्र काश्मीर पलता यूनियन प्रदेश जम्मू जन नायक अड़तल वलुप டிடிசி பிடிசி தேர்தல்கள் நடைபெற்றன அப்பகுதி மக்கள் முதல் முறையாக வன்முறையில் இருந்து விடுபட்டனர் மோசமான வானிலை மற்றும் கடினமான சூழ்நிலைகள் இருந்தபோதிலும் ஏராளமான மக்கள் வாக்களித்தனர் பல ஆண்டுகளாக ஒடுக்கப்பட்ட குரல் இது அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஜம்மு காஷ்மீரை விரும்புகிறார்கள் என்பதை இத்தேர்தல் தெளிவுபடுத்தியது ஆஹ் பி கே அகிரிமெஜோ டிடிசி கே எலெக்ஷனு உஸ் மே எயிட்டி பர்சென்ட் யுவாவு நே பட்ஜெட் கே ஹிசாலியா பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனுமே म्यूनसपल्टी के इलेक्शनों में अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों में जो पहले कभी नहीं हुआ था मुझे लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहले दफ़ा आज लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक सरकार है पहले दफ़ा लगता है और आज लोग बहुत खुश है बहुत खुश है लोग खासकर आज के सिस्टम में लोग बहुत खुश है कि लोगों की काम होगी आज हर अफसर हर मुलाजिम ये समझता है कि मुझे काम करनी है और लोगों को भी मैंने अभी एक्सपीरियंस तब से ये हुआ कि जो भी लोग हमारे इस वक्त दफ्तर में जाते हैं रेस्पॉन्ड होता है

काफी बड़ा फर्क आ गया है और डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा जो है है काम चल रहा है पे, नहीं ले पा रहे थे, ना कोई अलो करता था, आज तो हम गेम्स भी खेलते हैं कहीं भी जाके एडमिशन करते हैं तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता था आज तो माशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड होता है अधिक पक्ष निर्वाह அரசாங்கம் வாய்ப்புகளை அதிகமாக்கியுள்ளது கிராமத்திற்கு திரும்புதல் மற்றும் அமைச்சர்கள் வருதல் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன மக்களை அணுகவே முடியாத தொலைதூர பகுதிகளில் கூட வளர்ச்சியின் வேகத்தில் எல்லோரையும் ஈடுபடுத்தும் பிரச்சாரம் தொடங்கி உள்ளது அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்கள் நேரடியாக பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர் அதனால் மக்களின் இதயத்திலிருந்து ஒரு குரல் வருகிறது மோடி அவர்கள் இருந்தால் எதுவும் சாத்தியம் बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था खास तौर पर जो हमारे गवर्नर माने गवर्नर जी ने किया था बहुत अच्छा रहा और उसका बड़ा अच्छा हमको रिस्पॉन्ड मिला उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिश्नर को गांव में कुर्सियाँ नहीं होती हैं गाँव एकदम बिखरा हुआ होता है एक गाँव के बीच में एक कमिश्नर सेक्रेटरी तरपाल के ऊपर बैठा ये सबसे बड़ी बात है वणिक वाई उ இளைஞர்கள் தங்கள் எதிர்காலம் பற்றி சிந்திக்கின்றனர் காஷ்மீரை முன்னேற்றுவதில் இளைஞர்களின் சிந்தனை ஈடுபடுகிறது இப்போது அவர்களின் கனவுகளை நனவாக்க பொருத்தமான சூழல் இருப்பது மட்டுமல்ல அரசாங்கத்தின் ஆதரவும் உள்ளது I have recently uh, received this medal in presence of the Honorable President of India at the 19th annual convocation at University of Kashmir. सो so, मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ का जो यूथ है उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड द ओनली नीड इज़ टू फ्लोरिज दैट टैलेंट जैसे कि मिशन यूथ स्टार्ट किया गया है तो इन स्कीम से, से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा जिसकी वजह से वो अपनी मतलब चाहे वो अपना कोई uh, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं आई थिंक इट विल

இன்று கீதா தேவிக்கு சொந்த வீடு உள்ளது குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளின் முகத்தில் வரும் காலங்களில் அவர்களின் எதிர்காலம் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற பிரகாசம் இருக்கிறது இன்று அவர்களிடம் குடியுரிமை உள்ளது அவர்கள் வேலைகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் कर चलता रहे हूँ पहले तो हम बहुत मजदूरी में किसी रात रात बार तक मजदूरी करते रहे फिर भी नहीं बनता था काम अब चलो गवर्नमेंट ने थोड़ा हमारा सपोर्ट किया तो हमको थोड़ा चलो ठीक है पहले तो कोई मेद ही नहीं थी पहले तो ये बच्चों को ऐसे ही था जैसे कुछ बनेगा नहीं अब तो मेद है चलो रूमिसल बन गए चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इन मकल वाले पति मुद्दा कवले எல்லைக்கு அருகில் வசிக்கும் மேற்கு பாகிஸ்தானை சேர்ந்த அகதிகள் எப்போதும் எதிரியின் தாக்குதலுக்கு ஆளாக நேரிட்டது தங்குவதற்கு சரியான இடம் இல்லை இதற்கு பின்னால் இருந்த ஒரே காரணம் முன்னூற்று எழுபது மற்றும் முப்பத்து ஐந்து பிரிவு பல தசாப்தங்களாக அவர்கள் இங்கு தங்கியிருந்தாலும் அவர்களை குடிமக்களாக கருதவில்லை அவர்களது வாழ்க்கையின் இந்த குறையை மோடி அவர்களின் அரசு நீக்கியது நல்ல தீர்வை ஏற்படுத்தி வளர்ச்சிக்கான ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுத்தார் मोदी साहब की सरकार आई है उन्होंने खुशहाल किया समाज के बच्चों को सिर्फ एक ही ऑपरचुनिटी थी कि आप चाहे दसवीं पढ़ लो बारहवीं पढ़ लो ग्रेजुएट बन जाओ मास्टर्स कर लो पीएचडी भी कर ली तब भी आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और वो है सफाई का अब हमें भी उम्मीदें हैं कि हम सरकारी जॉब कर सकते हैं हम तो सोचते थे कि पता नहीं इतनी मेहनत मजदूरी करके हमने पढ़ाया लोगों के बर्तन धो धो के सफाई कर करके अब हमें पता हम हमें लगा कि ये तो ठीक ही या हमने पढ़ा के बच्चों को कुछ कर सकते दो 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुई है इसकी आर्टिकल थर्टी और थर्टी फाइव ए की उसके बाद बच्चों में ये उम्मीद जागी है कि नहीं हम भी इक्वल हैं जो यहां का डोगरा है जो कश्मीरी पंडित है जो अदर जो भी यहाँ के पीपल रहने वाले लोग जम्मू के नागरिक है अब हमें उनके सम्मान मान लिया गया है मांग में था कि जाए जितना भी हम क्वालिफिकेशन अचीव कर लें लेकिन रह, करना तो वही काम है सर्फ स्पाई कर्मचारी का जैसे हमारे दादा पड़दादा करते हैं शायद हमें भी वही करना पड़ेगा लेकिन डोमिसाइल मिलने की वजह से हमें एक होप मिली है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी बन सकते हैं इपोद मान लेंगल नीलम कुछ वांग அவர்கள் தங்கள் சொத்துக்களை தங்கள் குழந்தைகளுக்கு மாற்ற முடியும் இந்த உரிமைகள் மாநிலத்திற்கு வெளியே உள்ளவர்களை திருமணம் செய்யும் பெண்களுக்கும் கிடைக்கும் பெண்கள் தன்னிறைவு பெறவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கவும் பல திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன यहाँ पे एक डर रहता था कि आप अपने इलाके के अलावा किसी और से जैसे आपको पता है शादी नहीं कर सकते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी राइट अपनी महिलाओं को मिला तो उससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि चाहे हमारे पास जो राइट ऑफ फ्रीडम है कि हम किसी से भी जाके कि किसी से भी शादी कर सकते हैं उसके वजह से हमारे जो आगे वाले जनरेशन है उन पर असर नहीं पड़ेगा तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी हुई है एवलोकेशनल के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा है जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले इलेक्शन में फ़ीमेल्स नहीं खड़ा होती थी लेकिन अगर आप अभी एग्जाम्पल लेंगे बहुत सारी फ़ीमेल्स इलेक्शन में भी खड़ा रह रही है और बहुत अच्छा काम की जा रही है उसके अलावा भी फीमेल्स बाकी सारे जितने भी फील्ड हैं उनमें आगे जा रही है वो पुलिस हो आर्मी हो कुछ भी हो तो

ரீலா பன் கஷ்மீரி கலாக்கிருத்த விவசாயிகளை பொறுத்தவரை இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கம் இங்கே முடிவடைந்துள்ளது விவசாயிகள் நலனுக்காக அரசு இயந்திரம் முன்பை விட சிறப்பாக செயல்படுகிறது விவசாயிகளின் விளை பொருட்களுக்கு நல்ல சந்தை வழங்கப்படுகிறது சந்தை கிடைப்பதால் ஆப்பிளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது லோக்கலி அப்பா ஓரம் அப் ஜோ தோம் அப்போ கி டிமாண்ட் பேன் இண்டியா ஒரு அபி இன்டர்நேஷனலி பிடி டிமான் படறாது ஃபாய் அச்சா ஓரே पूरे मुल्क में जो सैफरान लेने वाले हैं उनको भी फ़ायदा है क्योंकि वो ढूंढते थे कश्मीरी सैफरान उनको मिलता नहीं था उसमें डुप्लिकेसी चलती थी बाकी चीज़ें चलते थे लेकिन एक अथेंटिक या यहाँ पर जो जीआई टैग मिला है उसकी वजह से एक किसान को काफ़ी फायदा होगा मत्य अल आपल वन लाभते वंगिक कण से मणि ने முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் விநியோக சங்கிலி மீட்டெடுக்கப்பட்டது விவசாயிகளுக்கு சந்தையின் நேரடி அணுகல் உள்ளது நாபட் மூலம் ஆப்பிளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கிறது ஆப்பிள் சாகுபடிக்கு பிறகு அவர்களின் கவலைகள் முன்பை விட முடிவுக்கு வரத் தொடங்கி உள்ளன सारे फार्मर्स ने इसका बेनिफिट उठाया है क्योंकि डायरेक्टली वो मंडी पे गया है वहाँ पे उनने जो गवर्नमेंट एजेंसी थी उसने प्रोक्योर किया है और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा आ गया तो इन्वॉलमेंट नहीं था डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ गया गवर्नर के थ्रू मुझे अवार्ड मिला अब मेरे जो मैंने जो काम किया उसको सराहा गया उधर जो मैंने नॉर्मली टॉप वर्क पर काम किया हुआ है उस पर मुझे सराहा गया बाकी स्कीम्स में भी वहाँ पर बताया गया एक उड़ान स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की अगर वो सही माने में इम्प्लीमेंट होती है तो वो रेवोल्यूशन लाएगी हमारी इस इंडस्ट्री के लिए इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री इस मुल्क में आया उसने ऐसे कदम नहीं उठाया खास कर कि ये मिशन ही नहीं था उस टाइम पर जब मोदी जी आया उसने इसको अब आगे आगे बढ़ाया किसानों से पहले पहले से ही बात की हमेशा के लिए किसानों के फायदे के लिए बात की तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट इससे एक अच्छा लाभ मिला है किसानों को कि दो हज़ार या 6000 हजार जो मिलते हैं ना थोड़ा सा एक रिक्रूटमेंट या टूल या से इससे बराबर होते हैं और अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि के साथ साथ क्रेडिट कार्ड जो मिला है एक हजार एक लाख साठ हजार रुपये जम्मू कश्मीर भी उसका लाभ मिलता है मान लगे वेगम अधिकारी जम्मू कश्मीर नूर सदवी वीट मिन्मयमाकल மற்றும் இருபத்தி நான்கு மணி நேர மின்சாரம் என்ற கனவை நனவாக்கி காரணமாக கிராமத்தின் இந்த குழந்தைகள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் படிக்கிறார்கள் அவர்களின் உற்சாகமும் இரட்டிப்பாகும் ஏனென்றால் இருட்டினால் படிப்பு பாதிக்கப்படாது இப்போது தங்கள் கிராமத்தில் மின் விளக்கு மற்றும் மின்சாரம் என்ற உற்சாகம் சேர்ந்துள்ளது கடந்த எழுபது வருடங்களாக அடிப்படை வசதி இல்லாது இருந்த பெற்றோர்கள் தற்போது மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் இப்போது அவர்களின் குழந்தைகள் பழைய நிலையை சந்திக்க வேண்டியதில்லை और तुम क्या बनोगे? डॉक्टर, बसर था वो नहीं हो रहा था अब लाइट तो चल रही है तो हमारे बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे पढ़ाई की तरफ देंगे और माशाल्लाह तो ध्यान देंगे तो ये मुलाजिम बन सकते हैं इनका सपना भी अच्छा होगा बिजली आने से हमें बहुत फायदा हुआ हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे ना उस टाइम में जब टीचर उनको बोलते थे कि शाम को पढ़ाई करना जब अंधेरे में दीने लगा जलाते थे उस दीने जलाकर हमारे बच्चे पढ़ते थे हमें बहुत दिक्कत आती थी और जब ये बिजली चली कि कुछ अरसे में इन्हें बिजली स्टोर कर दी एक साल में दो तीन महीने में इन्हें बिजली हमें चला कर दी முன்பு இந்த மக்கள் தீனி ஒளியில் அதாவது விறகை எரித்து தங்கள் வேலையை செய்தார்கள் குளிர்காலத்தில் எட்டு அடி பனி படரும் போது அவர்களுக்கு எந்த ஆதரவும் இல்லை காட்டுப்பகுதி என்பதால் விலங்குகளின் பயம் இருந்தது மிகவும் வித்தியாசமானது தீனியிலிருந்து எழும் புகையால் பல வகையான நோய்கள் ஏற்பட்டன ஆனால் இப்போது மின்சக்தி காரணமாக அவர்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடுகின்றனர் उससे उसमें सोलोशन निकलता था वो जलाकर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे तो इससे जो ये बिजली आई इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है हम तभी और तो छोड़ो वो तो बाकी तो हम मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन तभी रोशनी तो देख सकते हैं वरतन वेरे में बैठते थे पहले ये दिनिया जलाते थे उसके वो देख कर फिर खाना खाते थे बच्चों को भी ऐसे देखते थे वो मिट्टी का तेल वो उन बत्तियों में डाल के भी काम करते थे असल ठीक मिली उसके बाद ஜம்மு காஷ்மீரில் மட்டுமல்ல லடாக்கிலும் மக்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் ஏனென்றால் நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு அவர்களின் கோரிக்கை நிறைவேறியிருக்கிறது வளர்ச்சியின் புதிய பரிமாணங்கள் தோன்றியுள்ளன யூனியன் பிரதேசத்தின் அந்தஸ்தை பெற்ற பிறகு புதிய தொழில்கள் மற்றும் முதலீடுகளுக்கு வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன ஏற்கனவே இருக்கும் சுற்றுலாத் துறையும் இதன் மூலம் பயனடைந்துள்ளது ஒவ்வொரு சிறிய மற்றும் பெரிய அரசாங்க வேலைக்காக லடாக்கில் இருந்து பல நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஸ்ரீநகருக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை நிலை மாறியதில் சுற்றுலாத் துறையுடன் தொடர்புடைய மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் பல்கேர் அததா जैसे यहां पे रूट्स बंद हो जाते थे तो अभी यूटी की वजह से ये तो काफ़ी बेनिफिट है फॉर लोकल जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हैं वो इजिली एंड स्मूथली वो वर्क कर रहे हैं और बात रही डेवलपमेंट की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है अधिकारी वैनिकाल सुवरत लद्दाख में जब से यूटी बना तब से टूरिस्ट का आना बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि ये एक हिंदुस्तान में एक वह जगह है जो दूसरी जगह से बिल्कुल अलग थलग है लोगों की और जो नेचुरल जो व्यू है वो बहुत अच्छा है बहुत तब्दीली आया है पहले हमें छोटे से काम के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था हमारे मुलाजिमों के लिए हर किसी को परमिशन का कोई केस हो या कोई तब्दीली का हो कुछ भी हो हमें श्रीनगर जाना पड़ता अब हमें यहाँ यहाँ यूनिवर्टी मिला है उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला और काफ़ी डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है और पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो गया है क्योंकि टूरिज्म में भी फ़र्क आया है और कारोबार में भी अच्छा फ़र्क आया है अब टेरी मिलने से हमें डायरेक्ट वहाँ से जो फंड्स आते हैं हमारे कौंसल को फंड आता हैं यहाँ गवर्नर पहले नहीं था अभी गवर्नर आए हैं तो इस वजह से एलजी है यहाँ डिविजनल कमिश्नर है सब कुछ होने से यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत फ़ायदा मिला है லடாக் நிர்வாகத்தின் கவனம் சுற்றுலா துறையில் வேலை ஊக்குவிப்பதிலும் உள்ளது உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் இளைஞர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன சுற்றுலாத்துறையை கிராமங்கள் வரை விரிவாக்கம் செய்ய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன करगिल पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக்கில் வளர்ச்சியின் வேகம் அதிகரித்துள்ளது இதனால் நாட்டின் கிரீடம் என்று அழைக்கப்படும் ஜம்மு காஷ்மீர் மேலும் பிரகாசமடைகிறது